Good morning students, I welcome you all on behalf of Rasa International School. Hope you all are doing well. Today in your EVS book, I will explain the chapter 18, chapter name Story of Cloth Making. As you all know that we have already done the hard words of chapter 18. So in this video, I will explain the chapter 18. I hope you all have learned hard words of chapter 18. Now take out your EVS book, page number 72. So I hope you all are on the page number 72. So students, chapter number 18, Story of Cloth Making. Do you know how cloth is made? क्या आपको पता है कपड़े कैसे बनते हैं? Let us listen to the story of cloth making. चलो cloth making की story को सुनते हैं. मतलब इस chapter में बताया गया है कि कपड़ा कैसे बनता है. Okay? So first is cotton. Cotton clothes are made from cotton. Cotton के कपड़े cotton से बनते हैं. We get cotton from cotton plants. हमें cotton plants से मिलता है. This cotton is made into threads by machine. ये जो cotton है उसको एक thread से, मतलब धागों से बनाया जाता है एक machine के द्वारा, जिसको कि हम spinning wheel कहते हैं. उस machine को हम spinning wheel कहते हैं. This activity is called spinning. और इस activity को हम spinning कहते हैं. Next, threads are made into cloth. फिर जो धागे होते हैं, मतलब कॉटन से थ्रेड बना दिया, जो फिर धागे जो होते हैं उनसे क्लोथ बनता है ऑन अ वीविंग मशीन, एक वीविंग मशीन पर, कॉल्ड लूम, जिस मशीन को हम लूम कहते हैं. दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड वीविंग. इस एक्टिविटी को वीविंग कहते हैं. मतलब जब कॉटन से या फिर किसी फाइबर से हम थ्रेड बनाते हैं तो उसको स्पिनिंग कहते हैं, और जब हम थ्रेड से क्लोथ बनाएंगे तो उसको हम वीविंग कहते हैं. सो नेक्स्ट इज लुक एट दीज पिक्चर्स. फर्स्ट इज कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल्स मिलती हैं. फिर कॉटन बॉल से हम थ्रेड बनाते हैं. थ्रेड कैसे बनता है? स्पिनिंग. स्पिनिंग कहते हैं थ्रेड बनाने की एक्टिविटी को. और थ्रेड बनता किस पर है? स्पिनिंग व्हील पर. नेक्स्ट है लूम में उस थ्रेड को बुना जाता है जिससे कि फिर कपड़ा बनता है. नेक्स्ट, नाउअडेज स्पिनिंग एंड वीविंग आर डन ऑन अ मशीन्स. जो स्पिनिंग और वीविंग है वो दोनों बिग मशीन्स पे की जाती हैं, मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स पे की जाती हैं, इन टेक्सटाइल मिल्स में. वूल, वी गेट वूल फ्रॉम शीप. एज यू ऑल नो दैट वूल हमें कहाँ से मिलता है? शीप से. मतलब ऊन कहाँ से मिलती है हमें? भेड़ से. द थिक हेयर दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ द शीप इज कॉल्ड वूल. मतलब जो शीप की बॉडी पर, मतलब शीप के शरीर पर जो हेयर होते हैं, थिक हेयर, मोटे मोटे जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनको हम वूल कहते हैं, ऊन कहते हैं. दिस वूल इज कट विद बिग सीजर्स और मशीन्स. फिर इस ऊन को बड़ी बड़ी सीजर्स और मशीन से काट दिया जाता है, फिर उसी से ऊन बनता है, उसी को हम ऊन कहते हैं. जब इसको शीप से, भेड़ की बॉडी से जब वूल को कट कर देते हैं, फिर हमें क्या मिलता है? वूल मिल जाती है. इट इज़ देन क्लीन्ड एंड वॉश्ड. फिर इसको हम क्लीन और वॉश करते हैं. When it becomes soft, जब ये soft हो जाती है, it is spun into woolen threads. फिर इसको ऊनी धागों में spun किया जाता है. These threads are used to knit. इन जो threads होते हैं, ये जो धागे होते हैं, woolen threads जो होते हैं, फिर इनको knit करने के लिए use होता है. क्या बुनने के लिए use होता है? Sweaters, caps, socks, gloves, mufflers. दे आर ऑल्सो वूवन इन टू फाइन क्लोथ इन वूलन मिल्स. फिर इनको एक फाइन कपड़े में, एक अच्छे कपड़े में वूवन करते हैं वूलन मिल्स में.
जो बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं वहाँ पे इनको फिर बुना जाता है। लुक एट दिस पिक्चर्स हियर, अ शीप एंड टू पर्संस आर हियर, दे व्हाट आर दे डूइंग, दे आर कटिंग द वूल फ्रॉम द शीप बॉडी एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर ही इज़ मेकिंग अ वूलन क्लोथ एंड फिर इससे क्या बन गया, वूलन क्लोथ्स, जैसे स्वेटर है एंड ये कैप है, ग्लव्स, ओके नेक्स्ट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट फर्स्ट वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड देन वूल इज कन्वर्टेड इनटू अ वूलन क्लोथ एंड देन वूलन क्लोथ्स आर मेड। सो नेक्स्ट इज सिल्क, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। एज यू ऑल नो दैट वी गेट वूल फ्रॉम शीप, सो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क वर्म गिव्स आउट अ लॉन्ग सिल्की थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ। जो सिल्क वर्म होता है वो अपने माउथ से एक सिल्की थ्रेड निकालता है, लॉन्ग सिल्की थ्रेड निकालता है। द सिल्क वर्म रैप्स द थ्रेड ऑल अराउंड इट्स बॉडी टू मेक अ कोकून। फिर सिल्क वर्म अपनी पूरी बॉडी के चारों तरफ थ्रेड को रैप कर लेता है, जिससे कि क्या बनता है, एक कोकून बन जाता है। वी कलेक्ट दीज कोकून्स, फिर हम इन कोकून्स को कलेक्ट करते हैं। व्हेन द कोकून्स आर ओपन्ड, जब कोकून्स ओपन हो जाते हैं, वी गेट लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड सिल्की थ्रेड्स। फिर हमें जो लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स मिलते हैं उनको हम सिल्की थ्रेड्स कहते हैं। दीज सिल्क थ्रेड्स आर वुवन टू मेक सिल्क क्लोथ। फिर इन सिल्की थ्रेड्स को वोवन किया जाता है जिससे कि सिल्क क्लोथ बनता है। लुक एट दिस पिक्चर्स स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ सिल्क वर्म।